एके मिश्रा जी, सवाल इस बात को लेकर है, विरोध प्रदर्शन करना, लोकतंत्र में अपनी बात रखना, इस सब का अधिकार है, लेकिन इस तरह से क्या ये तरीका ठीक था या सरकारों की यहाँ नाकामी है ये? नहीं आसिफ, देखिए ये जो पूरा वाकया हुआ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपना निर्णय दिया या जो भी किया, सबसे पहले जितने लोगों ने प्रदर्शन किया उन लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस कार्रवाई या निर्णय को बहुत गलत तरीके से लिया, पॉलिटिकल पार्टी ने भी। अब मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, देखिए ये कानून व्यवस्था वगैरह, संविधान वगैरह बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया था, उसका आधार, सूत्राधार सारे कानून का, सारी संविधान व्यवस्था का ये है कि चाहे हजार गुनाहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, हमारे कानून में ये प्रोविज़न है। अच्छा, अब ये जो एससी एसटी एक्ट में जो संशोधन किया गया, ये कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ये केवल एक भूल सुधार हुआ है, और वो ऐसे हुआ है कि भाई अगर कहीं कोई अत्याचार होता है, किसी ने कुछ किया, हो सकता है वो फर्जी रिपोर्ट हो, उसी बेसिस पे इमीडिएट अगर आप किसी को गिरफ्तार कर लेते हो, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा को सबसे ज़्यादा दुखी करने वाला ये एक्ट होता है। मेरे ख्याल से आज बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा जहाँ पर भी होगी, उनको बहुत सुकून और शांति मिल रहा होगा, उनको पहली बार ऐसा लग रहा होगा कि असली संविधान का पालन, हमारे कानून का पालन आज हुआ है, ये केवल एक त्रुटि जो पहले थी उस त्रुटि को ठीक किया गया है, और इसके लिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को बधाई देना चाहूँगा। लॉजिक और भी है आसिफ, आप देखिए जुर्म का नेचर जो है वो एक है, मान लीजिए आपके साथ वही जुर्म होता है और मेरे साथ जुर्म होता है, तो मेरे साथ डबल जो है मुझे सजा मिलेगी, ट्रिपल तरीके से, दो तीन तरीके से, दो तीन लेयर में मुझे सजा मिलेगी, लेकिन आपके साथ जब वही जुर्म होता है तो आपको दो तीन तरीके से सजा क्यों नहीं मिलती है? मर्डर होने पे फांसी सबको मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का हो। तो यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि जब जुर्म एक ही है तो उसकी सजा अलग अलग क्यों हो। तीसरी चीज़ ये है, ये सारा जो इशू है, देखिए ये इशू एक सोशल इशू ज़्यादा है, अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो, कानूनों की कमी नहीं है, इतने कानून की किताबें भरी पड़ी हैं, सबको पता है मर्डर करने पे फांसी होती है, लेकिन मर्डर हो रहे हैं। सवाल इस चीज़ का है कि इस प्रॉब्लम को अगर जड़ से हटाना है, उठाना है, तो सोसाइटी के लेवल पे जा कर के हमें काम करना पड़ेगा। जरा इन नेताओं से, जो लोग सड़क पे हैं, इनसे पूछिए कि कोई अगर दलित है, कोई परेशान है, तो कितनी बार आप जा कर के आपने उसका सहयोग किया? एक पॉइंट और बोलूँगा, नहीं एक पॉइंट और आसिफ, आप सुन लीजिए, जितने लोग आज सड़क पे हैं, ये दलित नहीं, ये बलित हैं, जिनको वाकई में इन चीज़ों की ज़रूरत है, आज आप जाके देखिए तो 45 डिग्री की टेम्परेचर में वो कहीं रिक्शा चला रहा होगा, कहीं सड़क खेत में काम कर रहा होगा अपने शाम की रोटी के जुगाड़ के लिए। असली दलित वो हैं, उनको ज़रूरत है। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, एससी एसटी एक्ट में हुए जो बदलाव थे उसको लेकर के रिव्यू पिटीशन सरकार की जो है उस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है, और कोर्ट ने कहा है कि सुरक्षा उपाय जो किए गए वो इसलिए नहीं किए गए कि निर्दोष को सजा न मिले। दरअसल कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल देने का जो एक प्रावधान कर दिया उसको लेकर के ये कोर्ट की तरफ से कहा गया, और ये कहा कोर्ट ने कि ये अकेला कानून है जिसमें कोई कानूनी उपचार नहीं है, सिर्फ एक शिकायत के तहत किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि मामला दर्ज होते ही व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है, दूसरे मामलों में संरक्षण के लिए फोरम या अदालत है। इस केस में ये बदलाव इसलिए किए गए ताकि बेगुनाहों को सजा न मिले, दोषियों को सजा दी जाए, झूठे आरोपों से स्वतंत्रता का हनन नहीं होता। दरअसल दुरुपयोग इस केस का हो रहा था, ये भी शिकायतें मिली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बदलाव किए थे। और आशीष भार्गव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। आशीष, बेहद अहम सुनवाई है जो कि सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है, और अभी तक जो खबरें आप भेज रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बता रहा है या समझा रहा है या एक तरह सफाई दे रहा है कि उसने ये बदलाव क्यों किए, क्योंकि कल बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हिंसा हुई है, तो क्या और सुनने को मिल रहा है वहाँ पर? ये देखिए, अटॉर्नी जनरल बता रहे थे कि कोई प्रावधान की जरूरत नहीं है, चाहे कोई गाइडलाइन की जरूरत नहीं है, इस एक्ट में तमाम प्रावधान मौजूद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एक्ट के खिलाफ नहीं है, कोर्ट एक्ट के खिलाफ नहीं है। कोर्ट का मकसद गाइडलाइन जारी करने का ये था कि किसी निर्दोष को सजा ना मिले, दोषी भले ही को सजा मिले लेकिन निर्दोष को सजा ना मिले, ये उसका मकसद था, इसलिए ये गाइडलाइन जारी की, क्योंकि कानूनी उपचार नहीं है। जो आरोप लगाए जाते हैं इस केस के, इस एक्ट के तहत, उसको वेरीफाई करना बहुत मुश्किल काम है कि वो आरोप सही है कि नहीं है, लेकिन जैसे ही आरोप लगेंगे वैसे ही वो शख्स के खिलाफ FIR होगी और वो गिरफ्तार हो जाएगा, उसको अग्रिम जमानत का भी प्रावधान नहीं था। तो ऐसे में कोर्ट ने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि
निर्दोष की स्वतंत्रता जो है उसको हनन न किया जा सके। कोर्ट ने साफ तौर पर ये भी कहा है इस सुनवाई में कि उन्होंने जो सुरक्षा उपाय किए हैं उनके वो एक्ट के साथ उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है, वो सिर्फ सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसको इंटरप्रेट किया है कि किस तरीके से जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं भले ही आप एससी लगा रहे हो लेकिन जो प्रक्रिया है वो सीआरपीसी की है और सीआरपीसी की धारा 41 कहती है कि आरोप गिरफ्तारी से पहले जांच होनी चाहिए, आरोपी की वेरीफाई होना चाहिए। तो यहाँ पर एक तरफ स्पेक्टर अपनी दलीलें रख रहा है और वो मांग कर रहे हैं कि इस पर रोक लगाई जाए, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इन दलीलों से संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एजिटेशन जो धरने प्रदर्शन जब कल हुए हैं उनके ऊपर कहा है कि शायद उन लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया है जो कर रहे हैं उन्होंने हमारे आदेश को नहीं पढ़ा है, हमने किसी तरह की कोई एक्ट में बदलाव नहीं किया है, बस ये फिल्टर करने की कोशिश की है कि ऐसे मामलों में जांच हो, जांच के बाद गिरफ्तारी हो तो ताकि कोई निर्दोष को किसी को सजा ना मिले, ये सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है। और सबसे अहम चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकी पक्षकारों को कहा है कि वो रिटर्न सबमिशन दाखिल करें, तो अभी कहा नहीं जा सकता, हियरिंग चल रही है लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिलहाल जो रुख है सुप्रीम कोर्ट का वो पूरी तरह इस तरफ है कि जो उसका आदेश है वो उन पे फिलहाल जो है वो कन्विंस नहीं है। जी आशीष, रिव्यू पटिशन की आखिर प्रक्रिया रहती क्या है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सुनवाई कब तक जारी रहेगी और किस तरह से इस पर कोर्ट आगे बढ़ता है? जी देखिए, रिव्यू पिटीशन आमतौर पर जो सुप्रीम कोर्ट रूल है वो चैम्बर में होती है, कोई ओपन हियरिंग नहीं होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगे कि इस पर ओपन हियरिंग हो सकती है तो ओपन हियरिंग करते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि वो आज इस पर ओपन हियरिंग करेंगे और हियरिंग कुछ दिन में खत्म होने वाली है। जी जी आशीष, आशीष से हमारा संपर्क टूट गया है, हम आगे उनसे और खबर लेंगे। यहाँ पर आप जो तस्वीरें कल के भारत बंद की देख रहे हैं उसमें जगह जगह हुई हिंसा में 9 लोग मारे गए हैं, हालांकि सरकार का आधिकारिक आंकड़ा 8 है, लेकिन इस सब के बाद सरकार ने कल ही गुहार लगाई कि अर्जेंट बेसिस पर यानी प्राथमिकता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करे और इसके तहत दोपहर 2 बजे समय तय किया गया। अभी आरोपों पर अभी इस मामले पर सुनवाई चल रही है। SC ST एक्ट में 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला देते हुए कई अहम बदलाव किए थे, ये कहते हुए कि कई बार इस एक्ट का दुरुपयोग भी होता है और इसके मद्देनजर सीधे गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, एंटिसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत का रास्ता साफ कर दिया था और गिरफ्तारी से पहले जांच को जरूरी कर दिया था। दलित उत्पीड़न कानून में इस तरह के कई शिकायतें सामने आई हैं कि इस एक्ट का गलत उपयोग भी हुआ है, लेकिन दलित वर्ग का कहना है कि इन बदलावों से उनके हित असुरक्षित होंगे और ये उनके साथ ज्यादती है जिसके चलते कल ये भारत बंद बुलाया गया था।